देख रहे हो, इसके अंदर जाना है और वो सामान लेके आना है। नमस्ते साहब। आप चाहते कि मैं इस घर में चोरी करूं? बिल्कुल अकेला रहता है ये, अकेला ही तीन आदमियों के बराबर है। अरे तो मैं कौन से तुमको उससे कुश्ती लड़ने को बोल रहा हूँ। घर के अंदर जाना है, किसी तरह से वो सामान निकालना है और आ जाना है। सिर्फ सामान नहीं निकालना, शेर के मुंह से शिकार खींचना है। मैंने सुना था कि तुम अपने काम में बहुत माहिर हो। सही सुना था आपने। एक बात और सुन लो, इस घर के मालिक की तरह इस घर की सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी है। दिख रहा है सिक्योरिटी कैमरास, अलार्म वगैरह सब कुछ। तो क्या सोचा, कर लोगे? मिठाई खाते हैं आप? अरे मिठाई का घर के अंदर जाने से क्या मतलब है? चलिए जाने दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये हुई ना बात। एक बात बताइए, ऐसा क्या है इस सामान में जो आप मुझे मुमा की रकम दे रहे हैं? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अरे जब चोरी करने जाते हो तो क्या पहले से पता होता है कि क्या सामान मिलेगा? सामान दिखता कैसा है? बताता हूँ, आ जाओ। आदिति, बिल्कुल ऐसा दिखता है वो सामान जो तुम्हें मेरे लिए वहां से निकालना है। और हाँ, इसे तोड़ना या खोलना किसी के बस की बात नहीं है। मगर होगा क्या इसके अंदर? मैंने कहा ना, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। अरे यार, तुम किसी और को शामिल करके रिस्क क्यों बढ़ा रहे हो? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, उस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा। मेरी वाइफ अदिति, तकदीर वाले हो, काफी खूबसूरत बीवी मिली है तुम्हें। आपका काम हो जाएगा शेखर जी, लेकिन पैसे हमें कब और कैसे मिलेंगे? 5 लाख विजय के खाते में आज जमा हो जाएंगे और 5 लाख मेरा सामान मिलने के बाद। काम के हिसाब से पैसे बहुत कम है, तुम्हें मंजूर है? तो फिर ठीक है शेखर जी, आपका काम होने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे। पंकज, घर की तलाशी लो। सर, ऐसा लगता है रमेश जी सो रहे थे और बेड पे इन्हें गोली मार दी। आप लोगों को कब पता चला कि रमेश जी का खून हो गया? साहब, मैं अपने रोज के समय पे सुबह 9 बजे जब आई। साहब, संपत, संपत, संपत साहब, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। साहब तो बाहर भी नहीं गए। आओ, देखो, देखो ना अंदर, देखो। चलो देखते हैं। साहब दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। साहब, साहब,
मैं देखता हूं। साहब साहब साहब, तुम उस तरफ देखो। हाँ साहब साहब। और जब हम अंदर आए तो हमने देखा कि साहब अंदर मरे पड़े थे। सर सारा घर चेक कर लिया सर, जिस दरवाजे से ये दोनों आए थे उसके अलावा घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं है। और घर के ये सारे अलार्म्स सब सही है सर, कोई छेड़छाड़ नहीं है। कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, खूनी खून करके घर से भाग गया, घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद है, कैसे? वजह क्या हो सकती है खून करने की है? सर चोरी तो वजह नहीं लगती सर, देखिए ना सारे कीमती सामान और महंगे सामान ऐसे ही पड़े हुए, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, रमेश जी ने घर में सिक्योरिटी का इतना इंतजाम क्यों किया हुआ था? कोई खास चीज होगी घर में उसकी सेफ्टी के लिए। अच्छा ये आप लोगों ने रमेश जी को आखिरी बार कब देखा था? कल रात सब खाना खाने बाहर गए थे और घर वापस रात को 12 बजे आए थे, तभी देखा था। सर मुझे तो लगता है इन दोनों में से ही किसी ने किया है। नहीं नहीं साहब नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तुमने रमेश जी की चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी? जी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ड्यूटी पे सो रहे थे या कहीं चले गए थे? मैं रात भर ड्यूटी पर था और मैं जगा हुआ था साहब, आप चाहे तो बाहर का कैमरा चेक कर सकते हैं। तो फिर खूनी घर के अंदर आया कैसे और कब? ये खून उसके हील्स पे कैसे लगा? उसे गोली तो यहां सामने छाती पे मारी है, तो खून हील्स पे कैसे लग गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका खून कहीं और हुआ है और लाश को यहां पे लाके लिटा दिया है खूनी ने? घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। सर आप अकच सर, सर यहां भी है। ये खून से बने घसीटने का निशान बेडरूम की तरफ जाते हैं। लेकिन सर रमेश जी को अगर खूनी ने यहाँ पे मारा है तो उनकी लाश को वो बेडरूम में क्यों लेके गया? वो लाश को यहीं छोड़ सकता था या फिर कहीं छुपा सकता था। हो सकता है वो छुपाना नहीं चाहता हो, वो सिर्फ लाश को यहां से हटाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि रमेश का खून यहां इस जगह पे हुआ है। इसका मतलब यहां पे कुछ तो है। चेक करो। काम करो पूछ निकालो। माय गॉड, बुकशेल्फ के पीछे कमरा। सर ये रमेश जी कोई साधारण आदमी नहीं है। इस कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा है, लगता है खूनी यहाँ इस कमरे में कुछ ढूंढ के गया है। लेकिन सर सवाल अब भी यही है कि खूनी घर के अंदर आया कैसे? और एक सवाल ये भी है कि रमेश जी ने अपने घर के अंदर ये खुफिया कमरा क्यों बना रखा है? ऐसा क्या छुपा के रखा है यहाँ पे?
क्या बात है, इतने सारे पासपोर्ट्स? सर ये रमेश जी तो बहुत ही गड़बड़ आदमी लग रहा है। ये देखो, रमेश जी के अलग अलग नाम से पासपोर्ट है, अलग अलग हुलिये में फोटो खिंचाए गए हैं, और ये थाईलैंड, दुबई, तो काफी देशों के वीजा स्टैम्प्स भी लगे हैं इसके पासपोर्ट में। सर फिर तो पक्का हो गया, ये रमेश जी बहुत गड़बड़ आदमी। रमेश जी थाईलैंड और दुबई कई बार जा चुके हैं। सर दुबई और थाईलैंड के रूट से तो कीमती सामानों की स्मगलिंग होती है हमारे देश में। ऐसी कोई कीमती चीज इस कमरे में है या फिर था जिसे ढूंढने के लिए वो खूनी यहाँ इस कमरे में आया था? जब ये काम करो, ये सारे एविडेंस जितने भी हैं ये सब ब्यूरो लेके चलो। खोखला जरा हटो, पिछड़ तो खून ही घर के अंदर इस रास्ते से आया। अंदर आकर उसने रमेश जी का खून किया और फिर इसी रास्ते से बाहर जाते समय इस दीवार को बंद करके चला गया। चलो देखते हैं रास्ता कहां जाता है। अतिथि, इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा? विजय ये सोचो कि अगर शेखर हमें 10 लाख रुपए दे सकता है तो इस बॉक्स में कितने करोड़ों का सामान होगा। लेकिन हमने शेखर से वादा किया। विजय किस किताब में लिखा है कि वादे तोड़े नहीं जाते? अरे सारी मेहनत हमने की और इस चक्कर में उस रमेश को भी मारना पड़ा, तकलीफ हम उठाए और मलाई वो खाएगा। अतिथि तुम करने का चाहती हो? लेकिन ये तो बिल्कुल इसके जैसा है। हाँ और ये नकली केस मैं उसे देने जाऊंगी। जब तक उसे पता चलेगा तब तक हम यहां से बहुत दूर जा चुके होंगे। ये तो हम लोग अटक गए। देख मिनट, कोई तो रास्ता होगा, जरा पीछे हटो। देखो देखो तुम्हारी टेलरिंग के लिए सबसे परफेक्ट दुकान है, इसे ले ही लो। ठीक है दिखाओ। आओ भाई आओ, देखो ये है दुकान, समझ रहे हो ना? ये अच्छा? एरिया है, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। देखो इधर से इधर से ना एक रास्ता है। हाँ हाँ। और ये है मेन रास्ता, और ये देखो इधर भी पूरा स्पेस है खुला। हाँ हाँ। समझ रहे हो ना? बहुत पैसा कमाओगे और इस रास्ते में अच्छी अच्छी पैसे वाली औरतें भी आती जाती रहती हैं। अरे वाह। कौन सी जगह ये? कौन सी जगह ये? कौन हूँ मैं? मेरी दुकान तोड़कर घुस आए
और कहते हो कौन हूं मैं? तुम्हारी दुकान? ओह, तो तुम लोगों ने इस दुकान का इस्तेमाल किया उस आदमी का खून करने के लिए? इस दुकान से उसके घर तक जाने के लिए सुरंग बनाया क्यों? मैं नहीं सरकार, मैं तो इस दुकान पे आज पहली बार आया हूँ। इस दुकान का मालिक तो ये है, ये इस दुकान को बेचना चाहता था मुझे। बाप रे, ये कैसे हो गया? तुम्हारी दुकान है और पूछ रहे हो कैसे हो गया? मैडम, ये मेरी दुकान है, लेकिन इस दुकान में कल तक किराएदार थे, उन्होंने ये सब किया होगा। कौन है ये किराएदार? एक पति पत्नी थे, उन्होंने मिठाई की दुकान खोली थी। दुकान कुछ खास नहीं चली तो वो खाली करके कल शाम को चले गए। अभी कहाँ है वो पति पत्नी? ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा, उनका फोन एड्रेस कुछ है? नंबर? कोई फायदा नहीं पंकज, सारी जानकारी झूठी दी होगी। सर, पता कैसे चलेगा कि वो दोनों कौन है? एक काम करते हैं, कल यहाँ इस एरिया में जितने भी सेल फोन नंबर एक्टिव थे उन सबके डिटेल्स निकालो, एक एक नंबर पे फोन करके पूछताछ करते हैं। कोई ना कोई नंबर तो उन लोगों का होगा, किसी ना किसी से तो बात की होगी उन लोगों ने। कुल मिला के 70 लोगों के सेलफोन नंबर से जो उस वक्त एक्टिव थे इस हलवाई की दुकान के आसपास, और विजय का नंबर उन्हीं 70 में से ही है। इस रमेश के खून के पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। हाँ सर, अगर ये विजय और उसकी पत्नी रमेश को जान से मारना चाहते ही थे तो वो कहीं भी मार सकते थे, इतनी लंबी सुरंग बनाने की क्या जरूरत थी? वही तो, इसीलिए कहता हूं दया, इस रमेश के घर में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जिसके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की गई। सर, सारे नंबर चेक कर लिए मगर इनमें से कोई नहीं है। सर, लेकिन दो नंबर ऐसे हैं जिन पे रिंग तो जा रही है पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो फिर जरूर ये नंबर विजय और उसके पत्नी के हैं। पता लगाओ कहाँ पर है ये नंबर, कहाँ एक्टिव है। सर, नंबर ट्रेस हो रहे हैं, थोड़ी देर में लोकेशन का पता चल जाएगा। वेरी गुड। सर, एक नंबर का तो पता चल गया, ये कोई फैक्ट्री है। हाँ, और वो भी 15 मिनट की दूरी पर, 15 मिनट की दूरी पर सांस ले रहा है ये फोन। सर, ये लोकेशन तो यही बता रहे, अंदर ही है वो, यहां अंदर ही है। कहां है? अंदर। देख, काम करते हैं, फैल जाते हैं। सब जगह अच्छी तरह ढूंढ लिया है सर, यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं है मगर उस फोन का लोकेशन सर अभी भी यही दिखा रहा है। सर, हो सकता है फोन यही पड़ा हो और वो आदमी गायब हो गया हो। चाहिए वो हमें। रुक!
पूछ तो नहीं है, कुशल कुछ बहुत अच्छी करता है? सारा खेल खत्म हो गया, अब बताओ कहाँ है तुम्हारी बीवी जिसने तुम्हारा साथ दिया था रमेश के घर में चोरी करने के लिए? कहाँ है? सर मैं भी उसे यहाँ ढूंढने आया था, वो नकली सोना देने यहाँ आने वाली थी, लेकिन सर बहुत देर से मुझे दिखी नहीं। यहीं आने वाली थी वो? जी सर। पंकज देखो जरा, तभी पता चल जाएगा। अब बताओ सब कुछ सच सच, क्या हुआ और कैसे हुआ? सर मुझे और अदिति को रमेश के घर चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। हमने रमेश के घर के पास वाली दुकान किराए पे ली, दिन में मिठाई बेचना शुरू किया और रात को वहां से रमेश के घर तक सुरंग खोदने लगे। फिर हमने उसके घर में घुसकर वो केस ढूंढ लिया। कौन हो तुम लोग? मगर रमेश ने हमें देख लिया और उस सोने के बदले शेखर को नकली सोना देकर भाग जाने का प्लान बनाया। सर मुझे डर है कि उसे पता चल गया और उसने अदिति को पकड़ लिया। सर सर सर, ओह माय गॉड, सर लगता है उसने अदिति का खून कर दिया। सर सर घसीटने का निशान, लगता है शेखर ने अदिति पे हमला किया और उसे घसीट के यहाँ से बाहर लेके गया। सर काफी खून गिरा हुआ है, कहीं अदिति? देखा, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। सच सच बताओ, क्या चुराया था तुमने रमेश के घर में से? कहाँ है वो? इस बॉक्स में क्या है देखने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं। एक बार फ्रेडी सर आ जाएं तो ये भी पता चल जाएगा कि इस बॉक्स में क्या है। क्या बॉस, मेरी इंतजार हो रही है क्या? हाँ सर उनके। अच्छा बता, उस खून से क्या पता चला जो फैक्ट्री में मिला था? बॉस उस खून का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। सर ये तो अदिति का ब्लड ग्रुप। माय गॉड, तो फिर जरूर वो खून अदिति का ही होगा। और बॉस जिस तरीके से वो खून बहा है वहां पर, मुझे नहीं लगता ये अदिति जिंदा होगी। सर इसका मतलब अदिति इस दुनिया में नहीं। प्लीज संभालिए अपने आप को। पंकज इन्हें ले जाओ। आइए। सर हाँ फ्रेडी, इससे कट जाएगा वो बॉक्स। बिस्किट, ये तो करोड़ों का सोना है सर। शायद शेखर ने इस सोने की वजह से अदिति को मार डाला। दया, लगता है शेखर को पता चल गया होगा कि अदिति ने उसके साथ धोखा किया है। सर ऐसा लगता है ये रमेश ये गोल्ड स्मगलर था, उसके घर से इतने सारे फेक पासपोर्ट मिले, वो सोने की तस्करी के लिए विदेशों में जाता था। सर रमेश के घर से जो डायरी मिली है उसमें ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। दया, लगता है इन सारे लोगों के साथ रमेश का इस सोने का काला कारोबार था। सर शेखर को रमेश की असलियत का पता चल गया होगा और उसने रमेश को लूटने के लिए विजय को काम पे लगा दिया। हाँ लेकिन सर ये शेखर कहाँ है, इस बात का पता कैसे चलेगा? फ्रेडी शेखर को पता है कि सारा सोना विजय के पास है और सोना लेने के लिए उसके पास जरूर आएगा। पूरे बाजार में खबर फैला दो कि कोई आया है बाजार में सोने के बिस्किट बेचने के लिए ब्लैक में। हाँ सर, शेखर को तो यही लगेगा कि सोना बेचने वाला विजयी है।
वो आएगा सोना लेने के लिए भी और बदला लेने के लिए भी, शेखर को बिल से बाहर निकालने के लिए यही एक तरीका है। तो आप जितने भी लोग यहां पे आए हैं, आप सबको मैं दिल से वेलकम करता हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने खबर दी और आप लोग यहां पे हाजिर हो गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मैं अपना ये करोड़ों का गोल्ड बिस्किट्स एकदम कम कीमत पे बेच डालूंगा, तो हम इसके लिए आज बोली लगाएंगे और इस नीलामी में बोली सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से शुरू होगा। तो जो जितना ज्यादा बोली लगाएगा वो ये सारा खरा माल यहां से ले जाएगा। तो बोली शुरू करते भाइयों। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। हिम्मत करिए, मार्केट के हिसाब से ये सोना कम से कम 6 से 7 करोड़ का है। बोली लगाइए, 2 करोड़ से आगे बोली लगाइए, हिम्मत करिए। 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। जो भी खरीदेगा माला माल हो जाएगा। 6 से 7 करोड़ का माल है ये मार्केट में। 3 करोड़। क्या बात है, ये हुई ना बात, 3 करोड़। कोई है इससे आगे बोली लगाने वाला? 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 3 करोड़ 3। चलिए, ये सारा माल मिस्टर कौशिक का हुआ। कांग्रेस मिस्टर कौशिक। कौशिक जी, पैसे दे दीजिए और माल ले जाइए। पेमेंट करने से पहले मैं एक नजर माल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, शौक से आइए। चेक करो। इसे भी चेक करो। जो सोचा वो नहीं हुआ, ये शेखर नहीं आया। ये क्या? माय गॉड, ऊपर का माल असली और अंदर का माल नकली। नकली सोना? नकली सोना। नकली? कैसे? तो आप लोगों ने हमें यहाँ धोखे से सौदा करने के लिए बुलाया है? नया नया काला बाजार में क्या उतरा, पहली चुम्मी में काल काटने पर उतरा है मेरा। वाह, ये सोना नकली? मतलब अदिति ने तुमको? अरे हमारी बात सुनिए, ये सोना हम लोग खेती में थोड़ी ना उगाते हैं, हमने भी ये माल उठाया है वहां से। हो सकता है कुछ, आप ठीक से देख लो। जान चली जाएगी बाबू, समझ लेना, बच्चे हो तुम अभी, आग से चूल्हा जलाया जाता है, अपनी खुद की झोंपड़ी नहीं। ए, 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 हट, 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 हट पीछे, हट, हटो, हट। कहां भागे जा रहे हो? चलो भाई साहब, चल, चलो, हट, चल, चल। किधर जा रहे हो तू? चल चल। खिलाड़ी तो ठीक लगता है, पर शायद थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। मुझे क्या लगा अदिति को मार के तो बच जाएगा? क्या आपको लगता है कि अदिति को मैंने मारा है? नहीं तो फिर किसने? मुझे तो प्यार हो गया था उससे, इसने मारा है उसे, और उसका बदला लेने आया था मैं इससे। चुप, मेरी बेबी थी वो, मैं उसे क्यों मारूंगा? तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि विजय ने अदिति को मारा?
अदिति का फोन आया था मेरे पास। हेलो, हमारा प्लान फेल हो गया है, विजय को सब कुछ पता चल गया है, अब वो मुझे मार डालेगा। उसने कहा था कि वो विजय को छोड़ना चाहती है और उसे भी मुझसे प्यार हो गया था। उसने कहा था कि लूट का सोना लेके वो मेरे पास आएगी और फिर हम कहीं दोनों भाग जाएंगे। तो आदिति ने तुम्हारे साथ भी प्लान बनाया था? तुम दोनों ने मिलके मुझे धोखा दिया। अबे अकल के दुश्मनों, अभी भी आदिति का प्लान तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, उसने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया, तुम दोनों को। उसने विजय को धोखे में रखा ये कह के शेखर को डबल क्रॉस करते हैं, हाँ? और शेखर के साथ उसने प्यार का नाटक करके इसे भी धोखा दे दी। नकली सोना लेकर विजय के पास गई और खुद को मरा साबित करने की कोशिश भी की, क्योंकि विजय ये सोचेगा कि अदिति का खून तुमने किया और तुम ये सोचोगे कि अदिति को विजय ने मार डाला। वो जानती थी तुम दोनों बेवकूफ हो और आपस में लड़के मरोगे। आपका असली सोना। आखिर तूने अपना काम कर ही दिखाया। ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे अच्छा लगा आपके साथ बिजनेस करके। ये तो शुरुआत है, अभी तो और भी अच्छा लगेगा। अभी एक बहुत बड़ा काम हाथ में आने वाला है। कोई बात नहीं, आप बस मुझे एक फोन कर लीजिएगा, आपका काम क्यों चुटकियों में हो जाएगा। बहुत खूब। कमाल है, एक लड़की इन दोनों को बेवकूफ बनाकर चली जाती है और इन्हें पता कब चलता है? लड़की हाथ से निकलने के बाद। सर, एक चोरनी दो चोरों को लूट के चली गई। विजय, अदिति तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि वो कहां कहां जा सकती है, हा? सर, मैं जितना उसके बारे में जानता था सब कुछ आपको बता दिया। टेलीफोन नंबर किसे और कुछ पता नहीं है इसे। सर, वे 3 महीने पहले मेरी शादी हुई उसके साथ, लव मैरिज। सर, उसने अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, कहती उसने सारे रिलेशन उनके साथ तोड़ लिए। 3 महीने की दुल्हनिया चकमा दे के चंपा तो हुई। दान मत दिखा आपने, तुझे भी चूना लगाया उसने, बड़ा चला था प्यार के तोते उड़ाने। मुंह बंद, जब पूछा जाए तभी मुंह खोलना, समझे? सर, ये रहे अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स। पिछले कुछ दिनों से वो हर रोज एक लैंडलाइन नंबर पे बात करती थी। 7785600001 किसका नंबर है ये? नहीं सर, नहीं जानता। पता नहीं। सर, हो सकता है ये नंबर अदिति के किसी रिलेटिव का हो सकता है, देखते हैं, शायद अदिति मिल जाए। सर, अदिति ने जिस लैंडलाइन नंबर पे बार बार कॉल किया है वो यहीं का एड्रेस है। जी, आप लोग? अदिति, तुम खा गए ना धोखा? मैं अदिति नहीं हूँ, मैं अदिति की छोटी बहन नेहा हूँ। वो क्या है ना, हमारी शक्लें ना एक दूसरे से बहुत मिलती है। दरअसल कुछ ज्यादा ही मिलता है आपका चेहरा उससे। जी सर, वो हम जुड़वा है ना, इसलिए।
अदिति ने कभी बताया नहीं कि उसकी कोई बहन भी है। आपको पता है अदिति दीदी ना मुझसे 1.5 मिनट बड़ी है। लेकिन आप लोग कौन है और आपको दीदी से क्या काम है? हम लोग सीआईडी से हैं। जरा अदिति को बोला। अदिति दीदी तो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती है? मैडम दीदी ना मुझसे कुछ बातें नहीं करती, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। लेकिन हाँ 2 घंटे पहले वो मुझसे मिलने आई थी यहाँ, फिर चली गई। कहाँ गई? मुझे नहीं पता। हाँ वो किसी से ना फोन पर बात कर रही थी, कुछ जेडी डॉग्स ऐसे कुछ कह रही थी। लगता है कहीं भागने की तैयारी में है। एक मिनट सर, सर ये बात करते करते करने की आदत अदिति की थी। अदिति? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। नेहा अदिति दया, अरे वो भाग रही है। रुक जाओ। सर इसने तो सोना बेच दिया। मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। क्यों अदिति जी, किसको बेचा सोना आप? बोलती क्यों नहीं हो, किसने बेचा सोना? अदिति और तुम दोनों ने मिलकर सारा प्लान बनाया। हाँ, मुझे शक था कि विजय और अदिति दोनों असली हलवाई नहीं है, दुकान की आड़ में ये लोग कुछ और ही गोरख धंधा करते हैं। अब फिर तुमने इस अदिति से पूछताछ की? हाँ, मैंने इसे पैसों का लालच दिया तो फिर इसने बताया कि इसके पास सोने के काफी सारे बिस्किट हैं जो ये बेचना चाहती है, इसके लिए पैसे वाली बाटी ढूंढ रही है। मैं कुछ सोने के बड़े व्यापारी को जानता था, फिर मैंने अदिति से कहा कि साथ मिलकर काम करते हैं। वो सारा सोना मैं अकेले हथियाना चाहती थी, और इसलिए तुमने अपने पति विजय और शेखर दोनों को धोखा देने का प्लान बना लिया। मर्दों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। मुझे लगा था कि विजय के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए मैंने उससे शादी की। लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। कहने को तो विजय बहुत बड़ा चोर है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे जितने मुझे चाहिए थे, और इसलिए मैंने विजय और शेखर को बेवकूफ बनाया और अपनी मौत का नाटक किया। बहुत होशियार समझती हो तुम अपने आप को अदिति। क्यों है? पैसों की लालच। तुमने तो आज तक रिश्ते बनाए सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, और इस सारे काम में मिले तुम्हें ये मिस्टर लैंडलॉर्ड, और तुम दोनों ने मिलकर तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। अब जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते बैठना, फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा तब तक।